बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आज अपना 38वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। प्रियंका का जन्म 18 जुलाई 1982 में हुआ था। अपनी एक्टिंग के दम पर प्रियंका ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। पिछले 11 साल में प्रियंका ने 40 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग किया है। बॉलीवुड में कई हिट फिल्में देने के बाद उन्होंने क्वांटिको के जरिए हॉलीवुड में भी एंट्री की। उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। 13 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा अपनी चाची के साथ अमेरिका में रही, जहां उन्हें नस्ल भेद और रंग भेद का सामना करना पड़ा। इसका खुलासा प्रियंका चोपड़ा ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में की थी। उन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया था, जहां 2000 में प्रियंका मिस वर्ल्ड बनी। उसी साल उन्हें मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी ऑफ एशिया एंड ओशनिया का भी ताज पहनाया गया था। मिस वर्ल्ड का किताब जीतने के बाद प्रियंका ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। अब्बास मस्तान की थ्रिलर फिल्म हमराज में पहले प्रियंका चोपड़ा को लिया गया था, लेकिन प्रोडक्शन टीम के साथ उनके शेड्यूल में दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद इस फिल्म में अमीषा पटेल को लिया गया। साल 2002 में तमिल फिल्म थमी जहन से प्रियंका ने अभिनय की शुरुआत की। वहीं 2003 में द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई से प्रियंका ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल और प्रीति जिंटा थे। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, क्रिश, डॉन, फैशन, दोस्ताना, अग्निपथ, बर्फी और बाजीराव मस्तानी जैसी हिट फिल्मों में नजर आई। बॉलीवुड के बाद प्रियंका ने हॉलीवुड की ओर रुख किया। अमेरिकी सीरीज क्वांटिको में काम करके उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में नजर आ चुकी हैं। हॉलीवुड फिल्मों के अलावा कॉन्ग्स फिल्म फेस्टिवल में भी प्रियंका का लुक काफी सुर्खियों में रहा। प्रियंका सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि सिंगिंग के लिए भी जानी जाती है। ये पहली बॉलीवुड स्टार है जिसे क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी ने एल्बम लॉन्च करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने 2012 में विल के साथ इन माई सिटी और 2013 में फेमस रैपर पिटबुल के साथ एग्जॉटिक जैसी हिट एल्बम किया। वहीं 2018 में प्रियंका ने अमेरिकन गायक और अभिनेता निक जोनस से शादी कर ली। शादी क्रिश्चियन और पंजाबी रीति रिवाज से हुई थी। ये शादी बॉलीवुड की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। वहीं प्रियंका ने अपनी मां डॉक्टर मधु चोपड़ा के साथ पर्पल पेबल पिक्चर्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की है। इसी प्रोडक्शन कंपनी ने वेंटिलेटर नाम की मराठी फिल्म बनाई, जिसे भारत में 3 नेशनल अवार्ड भी मिले। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।